असलम स्टूडेंट आई एम तनवीर सैन एंड यूर वॉचिंग डैश कैंपस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर है हाउ डेटा इज रिप्रजेंट इन कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा जो होता है वो कैसे रिप्रजेंट होता है हम जो कहते हैं हमारा डाटा कंप्यूटर में पड़ा हुआ है वो बेसिकली किस फॉर्म में होता है कंप्यूटर वर्कस विद बाइनरी नंबर जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर में सिर्फ काम करता है बाइनरी नंबर क्या है जीरो और वन बाइनरी नंबर में भी ज़ीरो और वन द डाटा इन साइड आ कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड एज इलेक्ट्रिकल पल्स कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है ये बिजली की इलेक्ट्रिकल जो है वो पल्स होती हैं जैसे नब्ज हमारी चल रही होती है, बिल्कुल इसी तरीके से पल्स चल रही होती हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर द बाइनरी डिजिट वन इंडिकेट्स द प्रीसेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स किसी खास जगह पर जब वन होता है लिखा हुआ तो वहां इसका यह मतलब होता है कि वहां पर इलेक्ट्रिकल पल्स जो है वो प्रेजेंट है मौजूद है एंड द बाइनरी डिजिट जीरो इंडिकेट्स द अपसेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स और जो जीरो होता है ये इंडिकेट करता है ये इशारा करता है कि यहां पे पल्स नहीं है द बाइनरी डिजिट इज नॉन एज बिट जो बाइनरी डिजिट होता है इसको बिट कहते हैं यानि कि जीरो एक बिट है और वन एक अलग बिट है इट इज़ एन एब्रीवेसन ऑफ बाइनरी डिजिट इसको बाइनरी डिजिट का एब्रीवेशन यानि कि मखफ्फ़ कहते हैं इट इज़ दुमालेस्ट यूनिट ऑफ मेमरी मेमरी के अंदर जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो क्या होता है वो बिट होता है अ कलेक्शन ऑफ फोर बिट्स इज़ कॉल्ड निपल यानी कि जब चार बिट का मजमू हो जाता है जीरो वन जीरो जीरो यानी कि चार डिजिट मुकम्मल हुए तो इसको क्या कहते हैं एक ग्रुप बन जाता है और इस ग्रुप को क्या कहते हैं निबल कहते हैं अ कलेक्शन ऑफ एट बिट इज कॉल्ड बाइट्स बाइट जब आठ बिट का मजमु होता है तो उसको क्या कहते हैं बाइट कहते हैं वन बाइट कैन बी स्टोर्ड अ सिंगल करेक्टर यानी कि एक बाइट के अंदर एक सिंगल करेक्टर जो है वो स्टोर होता है एक सिंगल करेक्टर वट इज मीन बाई इनकोडिंग ऑफ डेटा, डेटा की इनकोडिंग से क्या अमराह होती है डाटा इनकोडिंग कंप्यूटर वर्कस ओनली विद बाइनरी नंबर जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी नंबर में काम करता है इट स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स यह जितना डाटा या इंफॉर्मेशन होती है इसको बाइनरी डिजिट यानी जीरो या वन की सूरत में स्टोर करता है द डाटा इज़ कन्वर्टेड टू बाइनरी फॉर्म बिफोर इट इज़ स्टोर्ड इन साइड दी हम डाटा टाइप करते हैं लेकिन हमारा डाटा जो कंप्यूटर में सेव होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है तो उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पहले ज़रूरी होता है फिर डाटा जो है वो हमारा स्टोर होता है The प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इन टू बाइनरी फॉर्म इज़ नॉन एज इन कोडिंग जब हम डाटे को किसी भी किस्म का टेक्स्ट डाटा है आडियो डाटा है वीडियो डाटा है जब हम उसको जो है वो स्टोर करना चाहते हैं और उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हमें पहले उसका कन्वर्ट करने के लिए एक कन्वर्टर की ज़रूरत होती है जिसको इन कोडिंग कहते हैं डाटा कैन भी कन्वर्टेड इंटू बाइनरी फॉर्म बाई यूजिंग डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स मुख्तलिफ तरह की कोडिंग स्कीम यानी कि कोडिंग करने के तरीका कार प्लान होते हैं जिनके मुताबिक जो है वो डेटे को कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी फॉर्म में टाइप्स ऑफ कोडिंग स्कीम्स यहाँ पर कुछ कोडिंग स्कीम की टाइप्स हैं पहली जो कोडिंग स्कीम है वो बी सी डी कोड है बी सी डी स्टैंड फॉर बाइनरी कोडिंग डेसीमल यानि कि बी सी डी का मतलब है बाइनरी कोडिंग डेसीमल इट इज़ फॉर बिट कोड ये बिट का कोड होता है यानि कि जिसके अंदर जो है हम सिर्फ चार जो है वो ज़ीरो वन जीरो वन जो है वो स्टोर कर सकते हैं विच मीन डेट ईच डेसीमल डिजिट इज़ रिप्रजेंटड बाई फोर बाइनरी डिजिट यानी कि हर जो डेसीमल डिजिट होता है वो फोर बाइनरी डिजिट में रिप्रेजेंट कर होता है यानी कि ए एक डेसीमल डिजिट है या वन एक डेसीमल डिजिट है तो वो फोर बाइनरी डिजिट में रिप्रेजेंट होगा इट वॉज़ यूज बाई अर्ली कंप्यूटर, जो पहले कंप्यूटर थे उनमें यह स्कीम जो थी वो इस्तेमाल होती थी ये बड़ी सुस्त थी इससे डाटा जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता था दूसरी स्कीम आ गई ई बी सी डी आई सी कोड ई बी सी डी आई सी स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल एक्सटेंडेबल बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड इट इज़ एट बिट कोड ये ज़रा डिवेलपमेंट होगी ये फोर बिट के बाद हमने एक नई कोडिंग स्कीम जो थी वो इंट्रोड्यूस होगी इसमें जो है फोर बिट कोड स्टोर होता था और यहाँ पर क्या है एट बिट कोड स्टोर होता था इट इज़ नॉर्मली यूज इन मेन फ्रेम कम्प्यूटर जो मेन फ्रेम कम्प्यूटर होते हैं ये ज़्यादातर उनमें इस्तेमाल होती है इट कैन रिप्रजेंट टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स करेक्टर यानी कि इस एट बिट के अंदर जो थे वो टू हंड्रेड इस स्कीम के अंदर 256 कैरेक्टर को जो थे हम वो रिप्रेजेंट कर सकते थे फिर उसके बाद आ जाते ए एस सी आई आई ए एस सी आई स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इट वॉज पब्लिश इन वन नाइन सिक्सटी एट बाई ए एन एस आई अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी कि जो एस सी आई ए स्कीम थी इसको अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने जो था यह पब्लिश किया था वन नाइन सिक्सटी एट को इट इज़ दोस्ट वाइडली यूज कोडिंग स्कीम फॉर पर्सनल कम्प्यूटर जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर थे उनमें इस्तेमाल होने वाली ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली यह कोडिंग स्कीम थी इट इज़ सेवन बिट कोड इट कैन रिप्रेजेंट 128 हंड्रेड लास्ट वन आ जाती है यूनिकोड यूनिकोड इज 16 बिट कोड इट कैन रिप्रेजेंट 65,536 फाइव ये इतने क्रैक्टर को जो है वो स्टोर कर सकती थी इट हैज स्टार्टेड टू रिप्लेस एस सी आई आई कोड ये क्या होना शुरू हुआ कि जो एस सी आई कोड स्कीम जहाँ जहाँ पर इस्तेमाल होनी होती थी वहाँ पर उसकी जगह पर यूनिक कोड जो है वो स्कीम इस्तेमाल होना शुरू होगी क्यों क्यों इसमें जो था वन हंड्रेड ट्वेंटी एट करेक्टर्स रिप्रजेंट हो सकते थे और यहाँ पर सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी सिक्स करेक्टर जो थे रिप्रजेंट हो सकते थे इसका यह मतलब इट कैन ऑफ आल लैंग्वेज इन वर्ल्ड दुनिया की जितनी भी लैंग्वेज है उनके तमाम करैक्टर को जो था यह रिप्रेजेंट कर सकती थी जैसे स्टूडेंट यूनिकोड स्कीम जो था इंट्रोड्यूस हुई इससे जो था कंप्यूटर की तरीक में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन हुई मुख्तलिफ तरह की जो वेबसाइट थी वो आसानी से एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ए, ट्रांसलेट होना शुरू होगी स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर नेक्स्ट डेयर लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़